हमारे HNU टीम, हैदराबाद नारकोटिक एनफोर्समेंट विंग टीम और हमारे लोकल पुलिस, आसिफ नगर पुलिस स्टेशन एंड कंचनबाग पुलिस और अपने हबीब नगर पुलिस, पूरे मिलके जॉइंट ऑपरेशन करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीकों में अलग अलग दिन में हमें ये गांजा सप्लाई करने वाले लोग मिले थे। पूरे मिलके 8 लोग मिले थे। उन लोगों से इस हफ्ते में टोटल अराउंड 150 केजीस ऑफ गांजा हमने सीज किया था। तो उनमें से ज्यादा लोग ये सप्लायर जो है वो उड़ीसा के हैं, और पहले आसिफ नगर के केस में देवराज नाम के एक आदमी था, उससे 10 केजीस हमने सीज किया था। उसके बाद लखन सिंह नाम के एक आदमी था, वो हबीब नगर PS में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद उनको पकड़े थे, उनसे 30 केजीस हमने सीज किया था। और बाद में अभी ये कंचनबाग PS के लोग, हम लोगों ने इनको अप्रेहेंड किया था, तो इन लोगों से 110 केजीस हमने सीज किया। तो इन लोगों को पकड़ने के बाद हमें पता चला कि ये लोग भी उसी को देने जा रहे थे, तो ये लिंक ऐसा जा रहा है कि ये लोग लखन सिंह को देते, लखन सिंह दूसरों को, देवराज जैसे लोगों को दे रहा है बोल के। तो ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हम पूरा देखेंगे कि लखन सिंह है और भी कोई लोग है या, और लखन सिंह के लोग देवराज जैसे कितने लोग है वो भी देख रहे, और इनमें ट्रांसपोर्टर्स भी है, मतलब ये डायरेक्टली थोड़ा डिलीवर करते, थोड़े ट्रांसपोर्टर्स बीच में लोग है। एक संगारेड्डी का आदमी है, जहीराबाद का, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, उसे भी हमने पकड़ा, तो वो भी यहाँ पर डिलीवरी करता है। तो ये तरीके रहते हैं, मेन ओरिजिनल सप्लायर, ट्रांसपोर्टर, पेडलर, सब पेडलर, तो ये चारों वेरियस लेयर्स को हमने इस ऑपरेशन में मतलब लोकल पुलिस के सपोर्ट से आज पकड़ने के बाद ये चला था, ये चार लोग है। ओके okay?